Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. अयोध्या में 5 अगस्त को राम मंदिर भूमि पूजन से देश भर में काफ़ी हलचल मची। कांग्रेस के नेता भी इस जश्न में शामिल हुए थे। एनडीए के नेताओं ने भी बधाई दी। सामाजिक न्याय आंदोलनों में मजबूती से आगे बढ़ाने वाले रामविलास पासवान भी इसमें शामिल हो गए, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन हलचलों से दूर रहे। जिस दिन भूमि पूजन का ये कार्यक्रम चल रहा था, उस दिन वो बाढ़ प्रभावित इलाकों का एरियल सर्वे कर रहे थे। उनके ट्विटर हैंडल पर उनकी तस्वीरें जो है देखी जा सकती है। नीतीश कुमार की पहचान रही है कि वो बीजेपी में समर्थन लेने के बाद भी उनसे खास दूरी बनाने में कामयाब रहते हैं। उनके राजनीतिक करियर का हॉलमार्क है। पिछले साल बिहार नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स यानी कि एनआरसी के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाले पहला राज्य था। बाद में कई राज्यों ने इसे पारित किया। उन्होंने नोटबंदी का समर्थन किया। इसके बावजूद उनकी पार्टी केंद्रीय मंत्रिपरिषद में कम बर्थ दिए जाने के चलते शामिल नहीं हुई। नीतीश कुमार प्रदेश की राजनीति में अलग राह के तालमेल के लिए जाने जाते हैं। वे जनसंघ और कम्युनिस्टों के साथ भी हाथ मिला सकते हैं। वे कभी भी अपना पाला बदल सकते थे। पिछली बार के विधानसभा चुनाव में ये रंग दिखा चुके हैं। बिहार में नीतीश के लगातार आगे बढ़ने की ये भी वजह है कि वह बीजेपी ने स्थानीय स्तर पर कोई बड़ा नेता तैयार नहीं कर पाई है। लेकिन दिल्ली में बैठे नेता अब ये बदलना चाहते हैं। संजय जायसवाल का प्रमोशन इस बात का प्रमाण है। जायसवाल सुशील कुमार मोदी के जाति से आते हैं। नित्यानंद राय और गिरिराज सिंह भी भाजपा को जदयू की छत्रछाया से बाहर निकालने की कोशिश में लगे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी के राज में भाजपा का क्षेत्रीय सहयोगी के साथ एक अलिखित समझौता था। पार्टी केंद्र में शासन करने का लक्ष्य रखती थी, जबकि सहयोगी दल राज्यों में सरकार का नेतृत्व करते थे। लेकिन 2014 के बाद से ये समीकरण पूरा का पूरा बदल गया। पार्टी केंद्र में सहयोगी दलों पर निर्भर नहीं है। राज्य में इसकी महत्वाकांक्षी और आक्रामक नेतृत्व एक बड़ा हिस्सा और वर्चस्व चाहता है। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव में समीकरण और दांव बदल गए हैं। मुकाबला सत्तारूढ़ एनडीए के भीतर और बाहर दोनों जगह होगा। सीटों के बंटवारे के दौरान एनडीए के भीतर, क्योंकि जो अधिक सीटों पर चुनाव लड़ता है उसके जीतने की अधिक संभावना है और सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरने की, इस प्रकार जेडीयू और बीजेपी के बंटवारे को लेकर खिस्तान देखी जा सकती है। राज्य में 2015 के चुनाव में ऐसा हालत बने थे कि कोई भी दो पार्टी मिलकर सरकार बना सकती थी। जेडीयू और आरजेडी ने चुनाव पूर्व गठबंधन किया था, इसलिए नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। कुछ साल बाद उन्होंने भाजपा के साथ हाथ मिलाने का फैसला किया और इस पद पर बने रहे। साल 2015 में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरने के बावजूद लालू ने नीतीश को मुख्यमंत्री पद दिया। इसके अधिक सीट होने के चलते लालू की पार्टी हावी होना चाहती थी। क्या नीतीश कुमार एनडीए महागठबंधन का नेतृत्व करने में सहज होंगे, जहां भाजपा के पास जेडीयू से अधिक विधायक हों? लालू के साथ वह स्पष्ट रूप से नहीं था। यही कारण है कि बिहार में ये चुनाव गठबंधन और राज्य विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरने की दौड़ के बारे में है। न्यूज रूम से न्यूज लाइव की रिपोर्ट। सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।